नमस्कार, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज। दोस्तों, यूपी से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपका मन भी विचलित हो जाएगा। यूपी के जनपद हरदोई में एक सनकी पिता द्वारा अपनी पुत्री की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, उस हत्यारोपी पिता द्वारा अपनी पुत्री का सर धड़ से अलग कर दिया गया और हत्यारोपी पिता उस सर को बालों से पकड़कर पूरे गांव में घूमता हुआ थाने की ओर चल पड़ा। रास्ते में किसी व्यक्ति द्वारा उसकी वीडियो बनाई गई जो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रही है। तो क्या है उस वीडियो में और क्या है इस पूरी खबर में, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तस्वीरों में दिख रहा ये सन के पिता, जिसका नाम सर्वेश बताया जा रहा है, मिली जानकारी के अनुसार हरदोई में हुई इस घटना से 2 दिन पहले सन के पिता ने अपनी बेटी को अपने ही भतीजे के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था, जिसके बाद ये अपने आपा खो बैठा। इस सन के पिता की बेटी शायद ये जानती थी कि अगर इसके पिता ने इसे पकड़ लिया तो वह इसका क्या हश्र करेगा। ये सोचकर बेटी घर से फरार हो गई, जबकि आरोपी का भतीजा भी घर से फरार हो गया। सन के पिता वीडियो में बताता दिख रहा है कि वह 2 दिन से भूखा प्यासा इस जिद पर था कि जब तक वह इन दोनों को नहीं मार देता, खाना नहीं खाएगा। 2 दिन हो गए, हमने 2 दिन में अन्न पानी नहीं खाया, आपके चले निपटा नहीं डालेंगे, जान मेरी नहीं खाएंगे। ये किसने किया? ये मैंने किया। गर्दन आपने काटी? मैंने। देखिए, थाना मजिला थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें कि गांव पांडे तारा पड़ता है। इसमें एक पिता ने अपनी पुत्री की हत्या की है, जिसके मौके मुआयने के लिए हम लोग फील्ड यूनिट के साथ यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। और जो अभियुक्त पिता है उसको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है और आगे इस घटना में विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उस लड़की की बदकिस्मती देखिए, जो आज अपने पिता के हाथ लग गई और उसके पिता ने घर के कमरे में अपनी बेटी को बंद करके गंडासे से बेरहमी से उसका गला रेत कर सर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, यह सन के पिता सर्वेश अपनी बेटी का कटा हुआ सर हाथ में लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर थाने में पहुंच गया, जहां पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी पिता को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन दोस्तों, हमारा सवाल ये है कि मृतका नीलम के अगर उसके चचेरे भाई से अवैध संबंध भी थे तो क्या पिता को इस तरह की वारदात को अंजाम देना चाहिए था? क्या उस हत्यारोपी पिता को अपनी ही पुत्री की हत्या कर देनी चाहिए थी? आप इस वीडियो को देखकर क्या समझे हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।